अगर आपसे कहा जाए लाइफ में जो कुछ होता है वह एक जीत है तो क्या आप इस बात को मानेंगे? क्या आपको भी लगता है ऑथर पागल हो गए हैं या किसी सिद्धि बाबा का बात को दोहरा रहे हैं? तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि गैरी जॉन बिशप असल में कहना क्या चाह रहे हैं। मान लीजिए जॉन एक ऐसी जगह में काम कर रहा है जो उसे पसंद नहीं है। वो ये नौकरी छोड़ने के बारे में कई बार सोचता है। एक दिन बॉस से कहा सुनी हो गया और उस दिन जॉन अपने पत्नी से आकर कहा वो रिजाइन करेगा। अगले दिन जॉन का गुस्सा थोड़ा सा कम होता है और वो अपने आप को समझाता है, बॉस बुरा हुआ तो क्या हुआ, कम से कम हर महीने तनख्वाह तो आ जाता है और ऑफिस घर के नज़दीक भी है। एनुअल एक्सपेंशन का समय आता है, जॉन की सैलरी में केवल 8% बढ़ोतरी होता है। वह इस बात से बहुत दुखी होता है और फिर वह नौकरी छोड़ने का ठान लेता है। वह घर जाकर किताबें खोलता है और इंटरव्यू की तैयारी करना शुरू करता है। उसकी पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लगता। फिर वह सोचता है कि लिंक्डइन पर प्रोफाइल बनाया जाए, पर उसमें भी काफ़ी मेहनत लगती है। उसके मन में नेगेटिव ख्याल आने लगता है। उसे लगता है कि उसकी बाकी साथी उससे काफ़ी आगे निकल गया। उसे लगता है कि वह बाकी कैंडिडेट्स उनसे बेहतर होंगे। उसे सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी महसूस होती है। वो याद करके सेटिस्फाई हो जाता है कि उसकी कंपनी अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी और फूड कूपन देती है। कुछ दिनों बाद जॉन का एक कलीग रिजाइन करके और एक बेहतर सैलरी पैकेज के साथ एक बेहतर कंपनी में चला जाता है और फिर जॉन रिजाइन कर देने के बारे में सोचता है और फैसला टाल देता है क्योंकि उसका कुछ काम बाकी है। अगले दिन अचानक न्यूज चैनल पर एक खबर आती है कि उसकी कंपनी को घाटा हो रहा है। वह ऑफिस पहुंचता है और उसे पता चलता है कि कंपनी के दरवाजे बंद है। ऑथर गैरी कहते हैं, ऐसी सिचुएशन भले ही हार की तरह लगती हो पर असल में एक जीत है। जरा गौर से सोचिए, जॉन के नेगेटिव विचारों और मेंटेलिटी की जीत नहीं है। जॉन ने खुद को नौकरी में टिके रहने के लिए मना लिया। उसने यकीन किया कि वह दूसरों से कमजोर है, कि उसमें कम काबिलियत है। वो यह भी मान लिया गया कि इंटरव्यू क्लियर करना उसके बस की बात नहीं है। उसकी सारी बिलीव सच हो गया और वह जीत गया। हो सकता है यह एग्जांपल आपकी लाइफ से मेल नहीं खाता हो, लेकिन आइए सेल्फ वैल्यूएशन का पता करें कि हम कहां रास्ता भटक रहे हैं। आप महसूस करेंगे कि हमारे विचार इतने शक्तिशाली होते हैं कि अपने गोल से अनजान होने के बावजूद हम वही पाते हैं जो सबकॉन्शियसली यानी मन में विश्वास करते हैं। यह हमारे लाइफ के हर पहलू पर लागू होता है, चाहे वो हमारी हेल्थ के बारे में हो, या हमारे करियर के बारे में हो, या हमारे परिवार के बारे में हो। लेखक गैरी जॉन बिशप यहाँ हमें दूसरा दावा पेश करते हैं, आई एम वाइड टू विन। इसका मतलब है हम जीतने के लिए बने हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम हर उस चीज़ पर जीत हासिल करना चाहते हैं जो हम असल में चाहते हैं या सबकॉन्शियसली या नहीं तरह अनजाने में विश्वास करते हैं। उस पर जो हम असल में चाहते हैं और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड यकीन करता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। ज़्यादातर काम बिना सोचे समझे ऑटोमेटिकली करते हैं और जैसे हम भूल जाते हैं। कई बार हमें याद नहीं रहता कि हमने घर कैसे छोड़ा, क्या वह लोग जिसे हम पार्टी में मिले थे। हम भूल जाते हैं कि आज हफ्ते का कौन सा दिन है। हम अपनी मैक्सिमम लाइफ ऑटो पायलट पर जीते हैं। ज़िंदगी आमतौर पर ऐसे विचारों से तय होती है जिन्हें हम खुद भी नहीं पहचानते। अगर हम वेट कम करने की, ज़्यादा पैसा कमाने या फिर शादी करने जैसी किसी भी गोल को हासिल करने में परेशानी फेस कर रहे हैं, तो हमें अपनी सबकॉन्शियस बिलीव के बारे में सोचना होगा कि हम यह मानते हैं कि हम जीवन भर मिडिल क्लास में रहेंगे या ये कि हम अपनी लाइफ बिना किसी सहारे में अकेले जिएंगे। अपने बारे में ये बिलीव्स जिन्हें हम मन ही मन सच मानते हैं हमारी असली काबिलियत को लिमिट करता है। इन बिलीव्स से हटकर ही हम अपने रोजमर्रा के भागदौड़ में अपनी रूटीन के बाहर के लाइफ को समझ सकते हैं। सोचा जाए तो क्या 10 लाख की तुलना में 20 लाख कमाने में ज़्यादा मेहनत लगता है? हमारे बॉस भी उतने घंटे काम करते हैं जितना कि हम। ये तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि मेहनत तो करीब करीब इक्वल ही करते हैं। तो बस ये पता लगाना है कि ऐसा कौन सा अलग या नया रास्ता लेना पड़ेगा कि हम भी ज़्यादा पैसा कमा सके। अगर सिंपल तरीके से इस बात को समझाया जाए तो यह कह सकते हैं कि हम हर उस खेल में जीत रहे हैं जो हम खेल रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम खेल को ही बदले और अपनी मेंटेलिटी, अपनी बिलीव्स, ऑटोमेटिक सबकॉन्शियस थॉट में बदलाव लाएं। आइए एक नज़र डालते हैं अपनी लाइफ के उन एरिया पर जहां हम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं, चाहे वह काम हो या हेल्थ हो या रिश्ता हो या कोई बुरी आदत हो। अगर आपने एक्शन पर नज़र डालते हैं तो हमें वो काम करने में परेशानी होती है। शायद हमें लगता है कि हमें काबिलियत ही नहीं है।
हम आलसी हैं, अपने इस गहरे बिलीफ सिस्टम को बदलना मुश्किल होता है। सालों से अपनाए हुए मेंटेलिटी को बदलना हमारी पूरे आइडेंटिटी को बदलने जैसा होता है। हम अपने आप को साबित करते रहते हैं कि हम आलसी हैं, हम ऐसा क्यों हैं, हम ऐसा क्यों करते हैं। इसके भी एक वजह है, हमने आज तक जो भी कदम उठाए हैं उन कदमों ने हमको यहाँ तक पहुँचाया है, बिल्कुल सही सलामत। तो हम वही कदम दोहराते हैं क्योंकि हमें यह जिंदा और सेफ रखने का आसान तरीका लगता है। कितनी बार हम सब ने कुछ नया सीखने या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने या ईमानदार होने का प्रॉमिस तोड़ा है। याद करें वह समय जब हमने टहलने के बजाय सोने का फैसला किया था या खाना पकाने के बजाय ऑर्डर करने का फैसला किया था। इन सब की जांच करके हमें क्या सीख मिलती है कि हमारी सबकॉन्शियस बिलीव हमारी गहरी दबी हुई मेंटेलिटी की शक्ति दिखाता है और ये कि हम पैदा हुए हैं जीतने के लिए। जीतता है, बस गोल को चुनाव पर में डिपेंड करता है कि हम अपने विश्वास में हल्का सा भी बदलाव लाए हम मन की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं और असल में हमारे सपने को अपने गोल को पा सकते हैं। रोमन एम्पायर और मार्क्स एगल्सन ने कहा था, हैप्पीनेस इज द योर लाइफ डिपेंड्स ओपन द क्वालिटी इज योर थॉट। हम जीतने के लिए बने हैं। गैरी जॉन बेसक का यह दावा हमारे दिमाग की असल शक्ति को महसूस करने में हमारी मदद करेगा। हम लाइफ के किस हिस्से में सुधार देखना चाहते हैं, हम असल में क्या हासिल करना चाहते हैं, आइए उस चीज़ को ढूंढें और एक लिस्ट बनाएं हर उस कदम को जिसे पाने के लिए ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं, वहां पहुंचने के लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है, किस चीज़ की तैयारी करनी होगी, कैसी करनी होगी, किस तरह से बात करनी होगी, किस वेबसाइट पर अप्लाई करना होगा, वगैरह वगैरह। हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखना होगा कि वहां पहुंचने के लिए ज़रूरी होंगे। सबकॉन्शियस विश्वास हवा में पैदा नहीं होते, वह हमारे लाइफ में हुई किसी पिछली घटनाएं पर आधारित होते हैं जिसने हमारे अंदर एक बहुत स्ट्रांग फीलिंग पैदा की है। जैसे कि बचपन में हम होमवर्क करने से कतराते थे या खेलने में हमारा मन ज़्यादा लगता था, एक दो बार टीचर से डांट खाई, धीरे धीरे लगने लगा कि होमवर्क न करना कोई संगीन जुर्म नहीं है। एहसान करते रहे और टीचर से सुनते रहे हम लेजी हैं, यह बिलीव हमारे जहन में कहीं बस गया। स्कूल तो पीछे छूट गया पर इस बिलीव ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। हम अपने गोल को पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, साथ ही साथ हमें उन सबकॉन्शियस विचारों की भी पहचान करनी चाहिए जो हमें अपने गोल से दूर ले जाते हैं। जितना ज़्यादा हम अपने गोल की दिशा में काम करते हैं हम उसके उतने करीब आते हैं। यह विचार उतनी ही तेज़ी से हमारे मन में डेरा डालने लगते हैं। यह भी हो सकता है कि विचार हम पर हावी हो जाए। याद रखें, इन विचारों पर काबू पाना ज़रूरी नहीं है, हम बस दिशा बदलने और नए गोल निर्धारित करने की ज़रूरत है। जब हम असल में खुद और अपनी रुकावटों और सीमाओं को समझेंगे तो हम ज़्यादा इंडिपेंडेंट और अपनी गोल की खोज में सक्सेसफुल होंगे। सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम खुद पर भरोसा करें और विश्वास करें कि हम जीतने के लिए बने हैं और हम में महान बनने की काबिलियत है। इस दिलचस्प बुक समरी के आने वाले एपिसोड में हम सुनेंगे कि कैसे हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं आई एम गॉड दिस। तो सुनते रहिए हमें, यानी इस चैनल के नए नए एपिसोड, नए नए सीरीज, नई नई चीज़ों के साथ फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए।